सर, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है। आज हमारा टॉपिक है अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना और स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना और स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। क्लास टेंथ, फिलहाल मैं क्लास टेंथ पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, लेकिन जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सारी क्लास 9th और क्लास 11 और 12th केमिस्ट्री भी आपको यहाँ पे इसी चैनल पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप इन जो है लेक्चर्स को हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल के ऊपर है, हर चैप्टर को, एसिड बेस वाला चैप्टर हो चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हो, सबको आप उनके लेक्चर देख सकते हैं और वहां से जो है फायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज, यानी ये हमारे पास सारे के सारे अल्केन्स हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले हमें नाम तो मीथेन से स्टार्ट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये तरतीब के साथ नाम हर बच्चे ने याद करने हैं। पहले 10 अल्केन्स आपको मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखा दूं। इनके लिए, इनके फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए हमें इनका जनरल फार्मूला आना चाहिए। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब यहाँ पे एन से मुराद है नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, अगर कार्बन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे, कार्बन यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, सो ऑन। अच्छा जी, अब मीथेन के लिए हमारे पास कार्बन होता है एक, फर्स्ट मीथेन है फर्स्ट मेंबर, तो मीथेन के लिए एक कार्बन है। अब मीथेन का फार्मूला क्या बनेगा, इसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, अब ये हम यहाँ इस फार्मूले से आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो C1H2 × n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 + 2, क्योंकि जहां हमने n की जगह 1 पुट किया तो जहां भी हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C1 1, हम फार्मूले में लिखते नहीं है वैसे, H2 × 1 2 + 2 कितना आएगा, H4। तो CH4 है मीथेन का फार्मूला, CH4। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है इथेन। ये एथ लफ्ज दो कार्बन के लिए, तो इसका मतलब है इसमें दो कार्बन है C2, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे इसमें, देखें 2 को अगर हम डबल करें इस तरह से, यहां इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए C2 n की जगह 2 पुट किया, 2 × 2 + 2 कितना आएगा, C2H4 + 2 6, C2H6। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखें आप, यहां हम यूं कर रहे हैं कि ये फार्मूला लिखते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि इसको डबल करें, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करें और +2 उसके साथ ऐड कर दें। अच्छा जी, जैसे ये प्रोपेन है C3, प्रोपेन के लिए 3 कार्बन प्रोपेन के पास होता है, C3H कितना आएगा, 3 को डबल करेंगे 6, फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, H8। इसी तरह से ब्यूटेन है C4, इसमें 4 कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे ब्यूटेन में, C4H4 को डबल करें 8 और 8 के साथ 2 ऐड करेंगे 10, C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला है। फिर पेंटेन C5 है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने आएंगे, 5 को डबल करेंगे 10 और 2 ऐड करेंगे तो 12, यानी इसको डबल करना है फिर 2 ऐड भी करते रहना है, ये अल्केन्स के लिए है ये फार्मूला। अच्छा जी, C6H कितना आएगा, 6 को डबल करेंगे 12 और 2 ऐड करेंगे तो 14। हेप्टेन C7 और 7 को डबल करेंगे तो 14 और 2 ऐड करेंगे तो 16। C7H16 हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C8H कितना होगा, H8 को डबल करेंगे 16 और 2 ऐड करेंगे तो 18। इसी तरह से नोनेन C9 और हाइड्रोजन जो है हम डबल करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 2 ऐड करेंगे 20। इसी तरह से डेकेन C10, H कितना आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 2 अगर ऐड करेंगे तो फिर 22, C10H22, ये डेकेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हुए एक और चीज का ख्याल रखना है कि कार्बन जो है, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर
सिक्स, इसके पहले शेल में दो और दूसरे शेल में चार इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में चार इलेक्ट्रॉन से मुराद के कार्बन की वैलेंसी चार है और कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ चार हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा, यानी कार्बन चार बांड बनाएगा, चाहे वो कार्बन के साथ बना ले लेकिन कार्बन टोटल चार बांड बनाएगा, चार से कम भी नहीं चार से ज्यादा भी नहीं, हमने इस बात का ख्याल रखना है। अब मेरे पास है CH4, एक कार्बन चार हाइड्रोजन है, एक बांड एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे हाइड्रोजन के साथ और यहां चौथे हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह से कार्बन के यहां पे चार बांड पूरे हो गए। अच्छा जी C2H6 अब कैसे लिखेंगे हम, पहले दो कार्बन इस तरह से, यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है, अब इस तरह से मैं टिक करता जाऊंगा C2H6, पहले हम कितने कार्बन लिखेंगे, दो, दो कार्बन लाइन में C2, ये दो कार्बन आपस में सिंगल बांड के जरिए से जोड़ने हैं। अब इनके ऊपर हाइड्रोजन लगाने हैं, देखें इस कार्बन ने पहले से कितने बांड बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने पहले से एक बांड बनाया हुआ है ये वाला, और कितने बांड बनाएगा, और तीन बांड बनाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो टोटल चार बांड बनाता है, एक बांड ऑलरेडी मौजूद है, तीन बांड और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अच्छा जी तो हम एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक बांड इसके साथ और फिर इसके साथ, तो CH3 आ गया। अब देखें कार्बन के चार बांड पूरे हो गए, एक दो तीन और चार। अब इस कार्बन के भी ऑलरेडी इसके पास एक बांड है ये वाला, और कितने बनाएगा, तीन, एक दो और ये तीन, तो ये हमारे पास आ गया C2H6। देखें दो कार्बन है C2 और छह हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार पांच छह, तो C2H6 हमारे पास आता है। फिर C3H8 क्या करेंगे, पहले तीन कार्बन इस तरह लाइन में लिखेंगे, अब हमने हाइड्रोजन भी लगाने हैं, बांड भी कार्बन के पूरे करने हैं। इस कार्बन ने पहले से कितने बांड बनाएगा, एक, ये वाला, ये जो लाइन है ये एक बांड को जाहिर कर रहा है। अब और कितने बांड बनाएगा, तीन, एक दो तीन, अब इसके चार बांड पूरे, एक दो तीन चार। अब इस कार्बन के ऊपर गौर करें, इसने पहले से दो बांड बनाए हुए, कौन से, एक बांड ये और एक बांड ये, दो बांड पहले से बनाए हुए, दो और बांड बनाएंगे, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से इसके भी अब चार बांड कंप्लीट हो गए, एक दो तीन चार। अब इस कार्बन ने पहले से एक बांड बनाया हुआ है और हम तीन बांड बनाएंगे इसके हाइड्रोजन के साथ, तो अब देखें ये हमारे पास आ गया C3, तीन कार्बन है C3, हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, आठ हाइड्रोजन है, तो ये C3H8 प्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, चार, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अच्छा जी पहले हम इस तरह से चार कार्बन लाइन में लिखेंगे, अब इस कार्बन ने ऑलरेडी एक बांड बनाया हुआ है, तो फर्दर इसमें हम कितने बांड लगाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तीन, एक दो और ये तीन, अब इसके चार बांड पूरे, एक दो तीन चार। इस कार्बन ने ऑलरेडी दो बांड बनाए, एक यहां और एक यहां, तो और कितने बांड बनाएगा, दो। अच्छा जी इस कार्बन ने कितने बांड बनाए हुए, दो, एक और दो, और कितने बनाएगा, दो और बांड, तो अब इसके भी चार बांड पूरे। इस कार्बन ने पहले से एक बांड बनाया हुआ है, तीन और बांड लगाएंगे इसके साथ, तो इसके भी चार बांड जो है वो पूरे, तो ये आ गया हमारे पास C4H10। चार कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस, ये हमारे पास है C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला। अच्छा जी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है पेंटेन का C5H12। हम क्या करेंगे, पेंटेन में पहले पांच कार्बन हमने इस तरह लाइन में लिखने हैं, तो पांच कार्बन लिखने के बाद अब इनके ऊपर हाइड्रोजन लगाने हैं, एक बांड ऑलरेडी बनाया हुआ है और कितने बांड बनाएगा, तीन, एक हाइड्रोजन सेकंड और ये थर्ड, तीन बांड ये और एक बांड पहले से। अब इसने दो बांड, एक बांड इधर से एक बांड इधर से, इस कार्बन के पहले से दो बांड है, दो मजीद बांड हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, इस कार्बन के पहले से दो बांड है, दो मजीद बांड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इसके भी पहले से दो बांड है, दो मजीद हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा, इसके भी पहले से इसका एक बांड है, फर्दर जो है वो तीन बांड बनाएगा तीन हाइड्रोजन के साथ। अब इसका फार्मूला चेक करें, ये है हमारे पास C5H12, देखना इसमें एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन आ गया C5, अब हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, तो H12 ये पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। और उसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन में क्या करेंगे, पहले छह कार्बन हम एक ही लाइन में लिखेंगे। अच्छा जी छह कार्बन आ गए, अब हाइड्रोजन लगा लें, एक दो तीन और ये इसके चार बांड पूरे, इसके दो बांड पहले से हैं, दो बांड और बनाएंगे, इसके दो बांड पहले से हैं, दो बांड हाइड्रोजन के साथ और बनाएंगे, इसके दो बांड पहले से हैं, दो बांड और बनाएंगे, इसी तरह इसके भी दो बांड पहले से हैं, दो बांड
और बनाएंगे। इसका एक बॉन्ड पहले से है, तीन बॉन्ड और बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें देख रहे हैं जो है 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसी तरह से हम हेक्सेन का हेप्टेन का फार्मूला बनाते हैं। पहले हमें क्या करना है, 7 कार्बन लाइन में लिखने हैं। कितने हो गए, 3 और ये 7। अच्छा जी, यहां कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, क्योंकि पहले से एक बॉन्ड है इसका। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे, यहां पे 2 और इस कार्बन पे 2 बॉन्ड, पहले से 2 और लगाएंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से 2 और लगाएंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से 2 और लगाएंगे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पहले से है, 2 और लगाएंगे। और इस कार्बन का 1 बॉन्ड पहले से है, 3 और लगाएंगे। तो हमारे पास इसका फार्मूला आएगा C7H16। अच्छा जी, इसी तरह से ऑक्टेन और नोनेन और डेकेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम इसी तरीके से जो है बनाएंगे। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो आपस में बनाए, चाहे वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बनाए, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बनाए। अब इनमें चूंकि सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए हम इनके साथ हाइड्रोजन लगा रहे हैं। अदरवाइज कोई और एलिमेंट होते तो जो है हम वही लगाते। ऑक्सीजन होते तो ऑक्सीजन के साथ इसी तरह बॉन्ड बनाते। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन का हमेशा डबल बॉन्ड भी बन सकता है, मुमकिन है सिंगल भी कहीं कहीं बन सकता है। लेकिन कार्बन के हमने 4 बॉन्ड पूरे और वहां फिर ऑक्सीजन के हमने हर लिहाज से 2 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये कि कार्बन, फिर से कह रहा हूं, 4 बॉन्ड बनाएगा और वो जो 4 बॉन्ड है वो यहाँ पे अल्केन्स में, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो अल्काइन हो, इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उनमें हाइड्रोजन के साथ ही वो 4 बॉन्ड पूरा करेगा।